नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक अलग विषय पर आपसे बात कर रहा हूं, घर की महिलाओं की हेल्थ खराब हो जाना, हेल्थ में बार बार डिटरिएशन आना, ऐसी कोई समस्या आ जाना। शादी तक बिल्कुल ठीक चल रहा था, शादी के बाद जैसे ही शादी हुई कुछ समय बाद ही स्त्री की हेल्थ गिरने लगी, हेल्थ में कोई ना कोई इश्यूज आने लगे। और ऐसे में एक पेक्युलैरिटी और देखी जाती है कि जब आप रिपोर्ट्स कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, उन टेस्ट या रिपोर्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा खास एडवर्स कमेंट्स नहीं आ रहे, कोई एडवर्स रिपोर्ट्स नहीं आ रहे, लेकिन हेल्थ जो है स्त्री की वो गिरती चले जा रही है। और इससे नुकसान ये हो रहा है कि हेल्थ गिरने के साथ साथ घर का वातावरण खराब हो रहा है, और इवन पति के लिए भी ये मुश्किल हो जाता है ये चीज़ संभालना कि अगर स्त्री की हेल्थ खराब होती चली जा रही है तो वो भी उसको भी ये लगने लगता है कि मैरिज के बाद ही इन चीज़ों पर समय भी वेस्ट हो रहा है, पैसे भी लग रहे हैं, और फिर हेल्थ ठीक नहीं हो पा रही। ऐसे बहुत सारे इश्यूज देखने में आते हैं, और खासकर तब जब सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन पत्रिका में कहीं हो, चाहे वो मेल के चार्ट में हो चाहे फीमेल के चार्ट में हो। यहाँ मैं दो इश्यूज पर बात कर रहा हूँ, सूर्य और शनि अगर मेल की हॉरोस्कोप में या फीमेल की हॉरोस्कोप में इकट्ठे हैं या उनका दृष्टि संबंध हो रहा है किसी भी तरह से, तो ऐसे केसेस के अंदर सूर्य और शनि के टकराव से सबसे पहला तो इफेक्ट लाल किताब की भाषा में ये होता है कि राहु नीच का हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि सूर्य और शनि के टकराव में, सूर्य और शनि के झगड़े में शुक्र मारा जाता है। उसका उसकी वजह क्या है कि शुक्र के दो एलिमेंट्स हैं, राहु और केतु। सूर्य जब भी शनि से टकराएगा, शनि को कहीं पर भी लगा कि मेरा नुकसान होने वाला है, तो शनि के पास दो एजेंट्स हैं, राहु और केतु, तो वो अपनी समस्या राहु और केतु पर डालेगा। और ऐसे केसेस में राहु और केतु दोनों, क्योंकि राहु प्लस केतु इज इक्वल टू मस्नुई शुक्र, वो शुक्र की बलि ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि सूर्य और शनि के टकराव का सारा नुकसान घर की स्त्री, क्योंकि वो शुक्र है, उसको झेलना पड़ता है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इम्पैक्ट मेल पर भी आता है, क्योंकि फीमेल के लिए मेल शुक्र है और मेल के लिए फीमेल शुक्र है, उस पर भी आएगा। लेकिन यह है कि स्त्री पर ज़्यादा आता है, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री ग्रह है। तो आप देखेंगे कि महिला की तबीयत शादी के बाद ही खराब होने लगी, उस तबीयत में डिटरिएशन आने लगा, और जब हम टेस्ट कराने जाते हैं टेस्ट में कुछ खास निकल के नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो जाती है, और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो आज के वीडियो में बात कर रहा हूँ आपसे कि इसका उपाय क्या है, इसके लिए क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे आप इस समस्या से बाहर आ जाएं। सबसे पहला उपाय जो कि बहुत कारगर साबित हुआ है, अलग अलग लोगों को ये उपाय कराए गए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कारगर साबित हुआ है वो उपाय बहुत सिंपल उपाय है। स्त्री को एक तांबे की सुई लेनी है, वो तांबे की सुई में एक मूंगा जड़वा लें, और उसमें एक सोने की जो कील है वो उसके आर पार करवा दें। इससे एक क्लिप बन जाएगा बेसिकली, ये क्लिप जो महिला है वो अपने बालों में लगाए, और ये किसी भी तरह का किसी भी डिज़ाइन का हो सकता है, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस इसमें तीन एलिमेंट्स जैसे मैंने बताए उनका होना जरूरी है। वो जो सुई होगी वो तांबे की सुई होगी, पहली चीज। दूसरी बात, उसमें लाल मूंगा जड़ा होगा, और तीसरी चीज एक सोने की कील जो है वो उसके आर पार होनी चाहिए। कैसे भी कर लें, वो डिजाइन आप देख लीजिए जैसा ज्वेलर बना दे। इसका लॉजिक क्या है, जो तांबे की सुई है वो सूर्य से संबंधित है, मूंगा जो लाल मूंगा हमने छोटा सा जड़ा दिया उस पर वो मंगल है, और जो सोने की कील आर पार हमने करवाई वो है बृहस्पति। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सूर्य मंगल और बृहस्पति की मदद से जो नुकसान सूर्य और शनि के टकराव से हो रहा है उससे जातक को बचा रहे हैं। अब ये जो सुई है ये रेगुलर बेसिस पे धारण करनी है। अब कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या हमारी कुंडली में सूर्य और शनि की युति है, ये हमें नहीं पता।
तो अगर आप ये देखें कि दाम्पत्य जीवन के सुख कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी, शादी के बाद महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है, डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो रही, और ऐसा लगता है महिला को कि बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं है, जैसे एनर्जी किसी ने ड्रेन कर ली हो। तो बहुत हद तक कहीं ना कहीं सूर्य और शनि का टकराव चाहे मेल की या फीमेल की हॉरोस्कोप में हो रहा है। सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि दोनों पत्रिका का, मेल की और फीमेल की, दोनों पत्रिका का विश्लेषण कराकर आप जो रिक्वायर्ड उपाय है वो करें तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ये जो सोने की सुई, जो तांबे की सुई में मूंगा जड़ाना और सोने की कील लगाना है, ये बहुत सेफ उपाय है, आसानी से किया जा सकता है और इसका नुकसान नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये करनी है महिला को, और वो रेगुलर बेसिस पे करना है। उससे होगा क्या कि ये जो डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो पाती या नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो राहु संबंधित, क्योंकि सूर्य और शनि के झगड़े में राहु नीच का हो जाता है और राहु से संबंधित जो समस्याएं वो अचानक आती है, राहु भ्रम पे फैलाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर उससे आप बचे रहेंगे। पहला उपाय तो ये करना है। दूसरा उपाय, जिस भी स्त्री को ये प्रॉब्लम आ रही है और अगर ये पता चल जाए कि उसी की पत्रिका में ये कॉम्बिनेशन है सूर्य शनि का, तो शुक्रवार रात को एक लोहे के पात्र में थोड़ा सा सरसों का तेल भर के रख लीजिए। वो पात्र अपने सिरहाने के पास रख लें, चाहे नीचे रख लें, चारपाई के नीचे रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और शनिवार को अपना चेहरा देखकर ये किसी तेल मांगने वाला जो डकौत आता है उसको आप दान दे सकते हैं, या ये मंदिर में भी दान दिया जा सकता है। ये दो चीज़ें की जा सकती हैं। और दोस्तों, इस छाया पात्र दान क्या प्रोसीजर है, इसका डिटेल में मैंने एक अलग वीडियो भी शेयर किया हुआ है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं उस वीडियो को। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया क्या करना है। अब मान लीजिए मेल की हॉरोस्कोप में है, तो मेल ये रेमेडी कर सकता है। उसमें करना सेम सिंपल यही रहेगा कि शुक्रवार रात को तेल रखा लोहे के पात्र में, शनिवार को चेहरा देखकर मेल मेंबर ने उसको मंदिर में दान दे दिया या डकौत को दे दिया। ये दूसरा उपाय करना है। और तीसरा उपाय, भूरी गाय की सेवा आप जितनी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। भूरी गाय की सेवा की जा सकती है, और अगर भूरी भैंस मिल जाए तो उसकी सेवा भी की जा सकती है। वो भी आपको जो सूर्य और शनि संबंधित आपको नुकसान हो रहे होंगे उसका, आपको उससे बाहर निकलने में, उसको कम करने में बहुत मदद करेगी। देखेंगे आप जब ये उपाय करेंगे तो कोई ना कोई, शायद आप डॉक्टर चाहे चेंज कर लें, चाहे डिजीज़ डायग्नोज हो जाए, किसी ना किसी तरह से आप देखेंगे महिला की जो स्थिति, हेल्थ की स्थिति है, उसमें धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।